क्या कर रहे हैं बाबा, सेल फोन भी घर छोड़ गए हैं। 8 बजे फ्लाइट का टाइम है, हर सूरत में उनको लेके जाना है मुझे। मामा माने नहीं कभी। नहीं अभी तुम बैठो, मुझे जरूरत होगी ना, मैं बुला दूँ। चले ओके। आपकी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? दिन की रोशनी में आई हूँ, डंके की चोट पर आई हूँ अपने शौहर को ढूंढने। किसी गैर में सिर्फ चोरी छुपे मिलने नहीं आई। आप जाकर अपने शौहर को घर में तलाश कीजिए, यहाँ पे उनका कोई काम नहीं है। वो जो यहाँ पे करने के लिए आए थे कर चुके हैं। अब मैं और मेरी बहन अपनी माँ के मरने के बाद जिंदा है। हाँ चली गई तुम्हारी माँ, लेकिन अपना काम कर गई, मुझे मेरे शौहर के बगैर रहने पर मजबूर कर गई। अच्छा तो जी कर देखे ना अपने शौहर के बगैर, तब आपको एहसास होगा कि मेरी माँ कितनी अजीम औरत थी। मैं अगर अपने शौहर के बगैर भी जीऊंगी ना, किसी गैर मर्द की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखूंगी। अब भी और इसी वक्त हमारे घर से चली जाए, या फिर मैं आपको धक्के देके निकालूं। जाए देखा तुमने, उस शख्स से ताल्लुक ना रखने का मेरा फैसला बिल्कुल ठीक था। और अगर आज वो शख्स यहाँ पे होता तो ये औरत हमारी मरी हुई माँ पे भी इल्जाम लगा के चली जाती। चलो क्या बना मामा? कुछ नहीं, यहाँ नहीं हूँ। फिर आप इतने गुस्से में क्यों? कुछ नहीं, चलो बस। लेकिन कहाँ जाऊँ मामा? मैं बताती हूँ, चलो। तुम फिक्र मत करो यमुना, मैं कहीं नहीं जाऊँगा, मैं यही रहूँगा तुम्हारे पास, कहीं नहीं जाऊँगा। मैं तुम्हारी बेटियों का ख्याल रखूँगा। मैं जानता हूँ मुझसे बहुत नफरत करती है, लेकिन मैं फिर भी मैं उनसे प्यार करूंगा, उनका ख्याल रखूंगा। फिक्र न करना, मुझे ले जाने की कोशिश भी करेंगे तो मैं नहीं जाऊंगा, मैं नहीं जाऊंगा। बाबा हमने आपको ढूंढ लिया, प्लीज चलिए। मैं नहीं जाऊंगा तुम्हारे साथ। बाबा प्लीज, हमारे पास वक्त नहीं है, हमें चलना होगा। मैं नहीं जाऊंगा, मैं यही रहूंगा। बाबा प्लीज प्लीज प्लीज। नहीं मैंने नहीं जाना, मैंने कहीं नहीं जाना। बाबा मैं सीधा एयरपोर्ट जाना है, प्लीज। मैं कहीं नहीं जाऊंगा, मैं यही रहूंगा। मैंने यमुना की बेटियों का ख्याल रखना है। I can't go with you. नहीं प्लीज चले चले, प्लीज प्लीज, I beg you, प्लीज चलो चलो। खुदा हाफिज। बैंक अगले हफ्ते घर की ऑक्शन करवा रहा है। घर की कीमत यकीनन बैंक लोन से ज्यादा होगी। बाकी की रकम आप लोगों के अकाउंट में शिफ्ट करवा दी जाएगी। आप लोग चाहें तो उससे कोई अपार्टमेंट वगैरह खरीद सकती है। और देखिए प्लीज ये चाय का तकल्लुफ ना करवाया कीजिए, अच्छा नहीं लगता। यमुना बहन जब जिंदा थी तो तब बात कुछ और थी। नहीं प्लीज आप चाय लीजिए, ठंडी हो रही है। शुक्रिया। तो मैं कह रहा था कि आप 2-1 रोज में कहीं और शिफ्ट हो जाएं, लेकिन कहाँ जाएंगे आप लोग? कोई अजीज रिश्तेदार कोई तो होगा। मामा अपने पेरेंट्स की इकलौती औलाद थी। मामा की तरफ से हमारा कोई भी करीबी रिश्तेदार नहीं है। और पापा के घर वालों ने जायदाद के झगड़े की वजह से उनकी जिंदगी में ही हमसे कता ताल्लुक कर लिया था। पापा की डेथ के बाद वो लोग कभी मामा से नहीं मिले। हमारे लिए हर रिश्ता मामा से शुरू होकर मामा पर खत्म होता था। बहुत दुख की बात है। इस भरी दुनिया में 2 जवान अकेली लड़कियां कहाँ जाएंगी? बहुत दुख होता है मुझे, पर मजबूर हूँ, कुछ कर भी नहीं सकता। आपको हम पर तरस खाने की जरूरत नहीं है बैरिस्टर साहब। हम दोनों बहनें एक दूसरे का सहारा है और हमारा सहारा अल्लाह है। जिसने ये जिंदगी दी है वो रहने का ठिकाना भी दे देगा। आप ये बताएं कि नीलामी किस दिन है? 7 दिन बाद। तोबा, मामा को याद कर रही हो? मामा भूलती ही कब है बा। एक बात बताओ तोबा, क्या हमारे जाने के बाद मामा की रूबी हमारे साथ जाएगी या फिर इसी घर में रह जाएगी? हिबा, मामा की रूह जहां पर भी होगी बहुत खुश होगी इंशाल्लाह। मामा को तो पता भी नहीं होगा कि हम ये घर छोड़ के जा रहे हैं हमेशा हमेशा के लिए। वो घर जिसमें पहले तुम आई फिर मैं आई, हमने अपना बचपन गुजारा, लड़े झगड़े, एक दूसरे को मनाया। ये घर जहाँ से हमारी मामा हमें रुखसत करना चाहती थी और खुद ही रुखसत हो गई। तो वह मुझे लग रहा है जिस तरह मैं एक बार फिर से मामा को अलविदा कह रही हूँ। नहीं वाह, नहीं मत रो। तुम्हें पता है ना मामा जब हमारे आंसू देखती थी तुम्हें कितनी तकलीफ होती थी। हम रोएंगे, चीखेंगे, चिल्लाएंगे तो उन्हें वहां भी बहुत तकलीफ होगी। और देखो आज इस घर में हमारी आखिरी रात है, नींद तो आएगी नहीं, तो चलो क्यों ना कुछ ऐसा करें कि हमेशा यादगार है। क्या करें? किचन में चल के केक बनाते, कॉफी और मेरी बर्थडे सेलिब्रेट करते। तो सुबह से इंतजार कर रही हूँ हिबा, लेकिन तुमने मुझे अभी तक विश नहीं किया। तो बाप पता नहीं मैं कैसे भूल गई, मुझे बिल्कुल याद नहीं रहा। आई एम सॉरी। मामा मैं पता नहीं क्या सोचती होंगी, उनके जाने के बाद मैंने तुम्हें बर्थडे भी विश नहीं की। ये मेरी और हमारी मामा की तरफ से तुम्हारे लिए हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे माय डियर सिस्टर, हैप्पी बर्थडे टू यू। और हाँ, बेस्ट विशेस फॉर बोथ ऑफ अस। हम दोनों एक दूसरे से लहदा तो नहीं है ना? चलो चलो ठीक, किचन में जाके केक बनाते हैं। Happy birthday to you. Happy birthday, my dear sister. Happy birthday to you. चलो ये हैप्पी बर्थडे। चलें बेटा, आ जाओ। आ जाओ बेटा, आ जाओ, आ जाओ बेटा, क्यों झिझक रही हो? चलो चलो, कहाँ चलो बच्चे, चलो चलो बेटा, चलो आओ हिबा, चलो चलो बेटा आ जाओ। भाई तुम लोगों का अपना घर ही है। आ जाओ बेटा, आ जाओ। मैं ना तुम लोगों के लिए पानी लेकर आती हूँ, ठीक है? तूबा, हम यहीं रहेंगे क्या? हिबा बस थोड़े दिनों की बात है, बैंक से रकम मिलते ही हम अपना अपार्टमेंट ले लेंगे। थोड़े दिन में हम यहाँ कैसे रहेंगे? चलो किसी होटल में जाके रहते हैं। हिबा, क्या हो गया, चुप हो जाओ, खाना आपा सुन लेंगी। और होटल्स में ज़ाया करने के पैसे नहीं है मेरे पास, हमें बहुत सोच समझ कर चलना है। सोच समझ कर? यहाँ पे आकर तो मेरा दिमाग माउफ हो गया। सोचना समझना तो बहुत दूर की बात है। देखो तूबा, अगर तुमने यहाँ रहने की जिद की ना तो मैं यहाँ से भाग जाऊंगी। मैं तुम्हें बता रही हूँ, मुझे यहाँ पे रहना। कंट्रोल। थैंक यू आपा। बानो आंटी, आपको पता ना कि मुझे लाल शरबत बिल्कुल पसंद नहीं है, मैं नहीं पी सकती। बेटा, इस वक्त आपकी पसंद का ऑरेंज जूस नहीं है मेरे घर में, और मैं ये बहुत प्यार से बना के लाई। नहीं पियो ना हिबा, क्या हो गया बेटा? लो ना, लो लो। एकदम मीठा है तूबा ये। पियो चुप करके। वो तुम्हारे लिए बना के लाई है हिबा। हिबा, ये क्या कर रही हो तुम? हिबा, मुझसे नहीं पिया था तूबा, तुम्हें मैंने बताया तो है। इतने प्यार से बना कर लाई, मुझसे नहीं पिया जा रहा। आंटी, मैंने पी लिया सारे का सारा ये ले। अच्छा, नहीं नहीं, और लो ना, क्या हो गया? गर्मी है भाई। प्लीज नहीं बानो आंटी, आपको पता है कि मैं नहीं पी सकती, प्लीज ऐसा नहीं करें मेरे साथ, आप समझ क्यों नहीं रही? चलो चलो, लो ये लो तूबा, ये तुम भी। जी बानो आपका, लो 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 ना बेटा। हाँ लो, पी लो पी लो। तूबा, ये लोग कैसी ज़िंदगी गुजार रहे हैं? मैंने तो कभी ऐसी ज़िंदगी का ख्वाब भी नहीं देखा। देख लो, ज़िंदगी का एक रुख ये भी है। मुझे अगर ऐसी ज़िंदगी गुजारनी पड़े ना, मैं तो खुदकुशी कर लूँ। कितना फजूल बोलती तुम हिबा, और ऐसी ख़राब बातें करके इन बेचारों की ज़िंदगी का मजाक तो मत उड़ाओ। ये लोग अपनी इसी दुनिया में मगन है, खुशबाश है, और जो बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमते हैं ना और बड़े बड़े घरों में रहते हैं, खुदकुशी भी वही करते हैं। अच्छा उस्तानी जी, माफ़ कर दे, गलती हो गई। अच्छा सुनो, ये सारी बातें बानो आपा के सामने मत करना प्लीज़, उन्हें बहुत दुख होगा। बेचारी इतने सालों से हमारी खिदमत कर रही हैं। ठीक है, ठीक है। सुनो, पंखा चल दो मुझे। ₹1,50,00,000? लेकिन हमारी बुटीक की तो कम से कम कीमत भी ₹4 करोड़ थी। फिर आपने उसको ₹1,50,00,000 में कैसे नीलाम कर दिया? ₹4 करोड़, ये तो आपका अंदाजा था ना बीबी। बैंक अपना एस्टीमेट खुद लगवाता है, और बैंक के मुताबिक इसकी ज़्यादा से ज़्यादा कीमत ₹1,30,00,000 थी। इसकी नीलामी तो फिर ₹1,50,00,000 में हुई है। लेकिन ये नाइंसाफी है बैरिस्टर साहब, बैंक का तो लोन है ₹1 करोड़ का है, और हमारे पास फिर क्या बचेगा? ये एक हकीकत है, और इस हकीकत को आपको तस्लीम करना पड़ेगा। मैंने तो आप लोगों की रिक्वेस्ट पर इस केस को अपना जाती समझकर इसकी निगरानी की है, अपना कीमती वक्त जाया किया है, फिर भी आप लोग मुझ पर ब्लेम कर रहे हैं। कैसे ना करें ब्लेम आपको, आपने शुरू दिन से हमें हर मामले से दूर रखा। आप हमें यही कहते आए कि आप सब कुछ खुद से संभाल लेंगे, और अब इतनी बड़ी चीटिंग करने के बाद आप कह रहे हैं कि आपको ब्लेम भी ना करें। किसने की है चीटिंग? ये बैंक का मामला है, बैंक ने ऑप्शन किया है, मेरा इससे क्या लेन देन? आप जाने बैंक जाने। नहीं, आप झूठ बोल रहे हैं। ये आपकी और किसी बैंक के अफसर की मिली भगत है। आप लोगों ने हमारे साथ धोखा किया है। मैं आपके खिलाफ अदालत में फर्द केस दायर करूंगी। अरे जाओ जाओ बीबी, बहुत देखे हैं तुम जैसे लोग मैंने, और बहुत केसेस निपटाए भी हैं मैंने। बेहतर यही होगा कि अपने मामलात खुद निपटाओ। बैंकों और अदालतों के चक्कर लगा लगा कर जूते घिस जाएंगे, तब समझ आएगी। चलो बाबा, उठो यहाँ से, छोड़ो तोबा मुझे। इन्होंने हमारे साथ इतना बड़ा फ्रॉड किया और मैं इनसे ये भी ना पूछूं कि ये सब कुछ इन्होंने क्यों किया। अब जाते हो तुम लोग या गार्ड को बुलाऊं? चलो उठो, देख लूंगी तुम्हें, बता रही तुम, मैं देख लूंगी। कितना कहा था ना हिबा, कमाल अंकल को मामला में इन्वॉल्व करने दो, लेकिन तुम नहीं मानो। अगर कमाल अंकल आज हमारे साथ होते तो शायद हमारे साथ ना बुरा नहीं होता, शायद या शायद इससे भी बुरा होता। तुम क्यों ऐसा सोचती हो हिबा? कमाल अंकल बुरे इंसान नहीं है। अगर वो बुरे इंसान होते या उनकी नीयत ख़राब होती तो मामा उन पर कभी एतबार नहीं करते। उन्होंने मामा के एतबार का कौन सा सिला दिया? मामा उनकी शादी के डिसीजन पर भी खुश नहीं थी। वो खुश थी हिबा, वो कमाल अंकल को पसंद करती थी। छोटे छोटे अप्स एंड डाउन्स तो होते रहते हैं, लेकिन वो कमाल अंकल से शादी करके नाखुश नहीं थी। उन्हें एक इत्मीनान सा हो गया था। शायद वो जानती थी कि उनके पास बहुत मुख्तसर सा वक्त रह गया, इसीलिए उन्होंने कमाल अंकल का हाथ थामा था। हमें सिक्योर करना चाहती थी हिबा, उन्होंने ये सब कुछ हमारे लिए किया था। तुमने कमाल अंकल से ताल्लुक़ तोड़कर अच्छा नहीं किया। आज इसी का नतीजा हम भुगत रहे हैं कि हमारे साथ कोई मर्द नहीं है। अच्छा कि हमारे साथ कोई मर्द नहीं है। नफरत है मुझे मर्दों से, फिर वो चाहे अरसल हो, अंकल कमाल हो या कोई और। इन लोग सिर्फ और सिर्फ धोखा देते हैं और वक्त ज़ाया करते हैं। तोबा, तुम किन खुशफहमियों का शिकार हो? तुम्हें क्या लगता है तोबा, अंकल कमाल और उनकी फैमिली जिन्होंने मामा को एक्सेप्ट नहीं किया, क्या वो अंकल कमाल को हमें ऑन करने देती? कभी नहीं तोबा। तुम समझ क्यों नहीं रही? अंकल कमाल को सिर्फ और सिर्फ मामा में इंटरेस्ट था। मामा के जाने के बाद उनका इंटरेस्ट हमसे भी ख़त्म हो जाता। जिस शख्स की अपनी औलाद हो वो दूसरे की औलाद के लिए अपने घर में क्यों प्रॉब्लम्स क्रिएट करेगा? हिबा, हिबा, मुझे कमाल अंकल की आंखों में मेरे लिए और तुम्हारे लिए बाप की शक्ल नज़र आती है, और मैं जानती हूँ कि आके झूठ नहीं बोलती। तो बहुत तुम उन्हें क्यों डिफेंड कर रही हो? क्योंकि मैं उनसे कांटेक्ट करना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि हमें इस मामले में सपोर्ट करें। मामा उनसे यही चाहती थी हिबा। तुम उनकी बीवी की इतनी जली कटी बातें सुनने के बावजूद ये चाहती हो वो अंकल कमाल को हमसे नहीं मिलने देंगी? ये सब सेकेंडरी बातें हैं हिबा। इस वक्त सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात ये है कि हमें किसी के सहारे की ज़रूरत है। नहीं, बैरिस्टर आरिफ जैसे लोग तो हमें खा जाएंगे। ठीक है, तुम यही चाहती हो ना, तो कर, तुम्हारी ये कुछ हमें भी दूर हो जाए। बाना का क्या हो गया? माफ करना बेटा, मैं रोज आपको दाल पे ठुकरा देती हूँ। मुझे पता है आप लोग रोज गोश्त और मुर्गी खाने के आदी हैं लोग। मगर बेटा, मैं अपनी हैसियत के मुताबिक जो कुछ भी कर सकती थी वो कर रही हूँ। सुभान, आप कैसी बातें कर रही हैं? आप तो हमारे लिए इतना कुछ करती हैं कि हम आपको शुक्रिया भी नहीं अदा कर सकते। रोज़ हमारे लिए खाने बना बना कर लाती हैं। क्या ये एहसान कम है? बानो आंटी, मैं इसकी तरह मुनाफिक नहीं हूँ। जो मेरे दिल में है वही ज़ुबान पे है। मैं नहीं खा सकती ये रोज़ रोज़ दाल चावल। मुझे तो आज कुछ और खाना है। हाँ हाँ, मुझे पता है। हिबा बेटी को तो मुश्किल से कोई चीज़ पसंद आती है ना। बाजी भी कितनी परेशान रहा करती थी इनकी इन आदत से। बेटा, अब तो ये खा लो। सुबह मैं कोशिश करूँगी कि आपकी पसंद की कोई चीज़ बना दूँ आपको। खा लीजिए। तूबा, हिबा, ये क्या बदतमीजी है? मुझसे नहीं रोज़ाना खाया जाता है दाल चावल। मुझे पैसे दो, मैंने बाहर जाके खाना खाना है। मैं तुम्हें पैसे नहीं दे सकती हिबा। एक अकेली लड़की का इस मोहल्ले में निकलना कितना खतरनाक हो सकता है तुम्हें नहीं पता। इसी चुप करके दाल चावल खाओ और सो जाओ। तूबा, मैं फेड अप हो गई हूँ इस घर से, इस मोहल्ले से। मुझसे रोज़ाना रोज़ाना ये नहीं खाए जाते दाल चावल। प्लीज़ मुझे पैसे दे दो, मैं बाहर जाके खा लूँगी खाना। ऐसे कैसे दे दूँ मैं तुम्हें पैसे? तुम शुतर बेमहार की तरह न जाने की तरह निकल पड़ोगी। कोई नई फिल्म गले डालने से बेहतर है कि दाल चावल खाओ और सो जाओ। ये खाना खाने से बेहतर है कि मैं भूखी सो जाऊँ। तो क्या हो गया तुम्हें? भानु आपा क्या सोचेंगी? उठो, उठ के खाना खाओ। हिबा उठो, तुमसे कह रही मैं खाना खाओ। मुझे नहीं खाना। ठीक है, तुम नहीं खाओगे तो मैं भी नहीं खाऊंगी। मत खाओ।